लेकिन जरा ऊपर देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर आपको एक पुल सा दिखाई दे रहा है, दरअसल ये कोई पुल नहीं है या फिर फ्लाईओवर नहीं है जिससे कोई भी पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 में जाएगा। जी हाँ, ये है फ्लाईओवर ब्रिज। जी हाँ, ऊपर से भारी भारी ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल यात्री जाते हैं और नीचे बना है ये रेलवे स्टेशन वर्धमान। जी हाँ, कितनी खूबसूरत कलाकृति की गई है, चलिए आपको इसको पास से दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, आपको मैं इस पुल की बात बता रहा था, ऊपर से जो है मोटरसाइकिलें, बस, ट्रेन निकलती हैं और नीचे से यहाँ से ट्रेन निकलती है। ज़रा देखिए ये पुल किस चीज़ के ऊपर टिका हुआ है। टोटल अगर गिनती के गिनेंगे तो ये 8 पिलर्स हैं, बीच में ये 8 पिलर्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर ये पुल टिका हुआ है। और ज़रा इसको ऊपर से देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरती से कैंटिलीवर के सहारे इसे बनाया गया है और इतनी बखूबी, इतनी खूबसूरत इंजीनियरिंग का नमूना इसमें दिया गया है कि वाकई काबिले तारीफ। और ऐसा नहीं कि ये पुल केवल एक ही तरफ है, जी हाँ, ये पुल यहाँ होने के बाद जस्ट इसके आगे अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको दिखाई देगी, और आगे वाली पुल इससे भी बेहतरीन है। उसे संभालने के लिए देखिए जो फ्लाईओवर ब्रिज बना हुआ है, जो खंभे, जो तारें उसे संभाल रही हैं, वो आपके सामने हैं। ऐसा हमने प्रयागराज में यमुना ब्रिज में देखा था, लेकिन यमुना ब्रिज एक वो पूरे इलाहाबाद में बना है और उसकी चर्चाएं दूर दूर तक होती है, लेकिन यहाँ के इस रेलवे स्टेशन में देखिए कितने खूबसूरत ढंग से ये बना हुआ है। और इसकी जो केबल्स हैं, जो वायर्स हैं, आपको मोटी मोटी दिखाई दे रहे हैं जिसके सहारे ये ब्रिज टिका हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत कलाकृति। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इस ब्रिज के और नज़दीक ले आया हूँ, ज़रा देखिए इसे, कितना खूबसूरत ढंग से ये ब्रिज बना हुआ। और इसे संभालने के लिए ये जो 3 पिलर्स का एक बड़ा सा ब्रिज, उससे निकलते हुए ये वायर जो कि पुल को पूरी तरह से सपोर्ट देते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे उसके जो वायर जो कि पुल में कनेक्ट हैं, पुल में कनेक्ट होने के बाद उसे वेल्डिंग टाइप का जैसे हम नॉर्मली करते हैं वो बहुत बखूबी ढंग से किया गया और इतनी मजबूती के साथ बनाया गया इस ब्रिज को कि यकीन मानिए इसे दशकों दशक कुछ भी नहीं होने वाला है। आइए आपको इस पुल को इसके नीचे से दिखाते हैं कि नीचे से किस तरीके से बना हुआ है और क्या इसमें सपोर्ट के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, अभी मैं इस पुल के बिल्कुल नीचे आ गया हूं और नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके की इसकी बनावट की गई है। और जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से लेके लास्ट तक अगर मैं आपको दिखा दूं तो इसको सपोर्ट के लिए नीचे अर्थ से कुछ भी नहीं लगाया गया है। दूर में वहां पे आपको एक पिलर दिखाई दे रहा है और एक लास्ट में यहाँ पे पिलर दिखाई दे रहा है। इन दोनों पिलर्स के बीच में आप ध्यान से देख सकते हैं, बीच में कुछ भी नहीं लगाया गया, मतलब कि ये पिलर उनके ऊपर हैंग है। और हैंग होने की वजह क्या है दोस्तों, उसके बीच का वो केवल इन 3 पिलर्स और इसकी निकली हुई वायर्स में, जो कि बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पे बनाया गया है। और मैं सलाम करता हूँ ऐसे इंजीनियर को जिन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल करके इस तरीके का ब्रिज, वो भी बीच रेलवे स्टेशन बनाया है, जिससे कम जगह में ज्यादा वाहन एक टाइम पे आपस में निकल सकें। तो दोस्तों, ओवरऑल ये ब्रिज दिखाने का मेरा ये मकसद था कि अगर इस तरीके का ब्रिज दीदी के यहाँ बन सकता है तो इस तरीके का ब्रिज हमारे यहाँ के मामा क्यों नहीं बना सकते। जी हाँ, मामा तो श्रेष्ठ हुए लेकिन फिर भी इस तरीके का ब्रिज नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूँ हमारे यहाँ के रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से कि अगर आप रेलवे स्टेशन टाइप के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कृपया कर इनमें भी ध्यान दें और आपके पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है उसको भी देखें और उस तरीके का काम करें ताकि हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट कुछ इसी तरीके का हो सके।